दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के नाम सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लीव द कंफर्ट जोन एंड मेगा प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी जानकारी दूंगा। मैं बहुत दिनों में आया हूँ तो आपको देखने के लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हुए मेरी वीडियो को। हाँ, तो आप सभी दोस्तों से मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, उसको आप क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करा करें मेरी कमेंट पर। मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करने से मेरा इम्प्रूवमेंट होगा और मेरे में जो भी कमी है मैं उसका इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा टॉपिक का नाम, मेरी जो आज वीडियो है उसका एक टॉपिक है, इसका आज नाम है लीव द कंफर्ट जोन एंड मेक अ प्रैक्टिस। हाँ, तो मैं सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने कंफर्ट जोन्स होते हैं। कंफर्ट जोन्स का मतलब होता है कि आपकी ऐसा स्थान जहाँ पर आपको रहना बहुत अधिक पसंद होता है या यहाँ पर आपको रहने से आनंद की प्राप्ति होती है, वहाँ से आपको अपने आप को छोड़ना ही कंफर्ट जोन कहलाता है। तो आप सभी दोस्तों से मैं यह अपील है या यह निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, स्टडी के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अधिक करना पड़ेगी। आज के बच्चों की थिंकिंग यह है कि बिना पढ़े जॉब लग जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप सभी दोस्त सुने मेरी बात कि बिना पढ़े आपकी जॉब नहीं लगेगी, दिस इज़ माय ट्रू। मैं आपसे सभी दोस्तों से यह कहना चाहता हूँ कि आप सोचें कि बिना पढ़े मेरी जॉब लग जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि आपके आज एक एग्ज़ाम क्लियर कराने पर लाखों फॉर्म भरे हो जाते हैं। और आज के जो मैंने बहुत दोस्तों से, मैंने बहुत स्टूडेंटों से बोला कि बेटा पढ़ाई करो, कुछ समझ में नहीं आती तो मुझसे कांटेक्ट करो, हैं कोई सजेशन लेना है, कोई आपको करियर संबंधित कोई भी बात है तो आप मुझसे संपर्क करें। नहीं, बच्चे अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं कि उनको सब कुछ आता है। यदि आपको आता है सब कुछ तो आप एक बार एक फॉर्म भर के आप पेपर देने जाएं तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को मेरे पास आए कोचिंग पढ़ने, तो मैंने उनकी थिंकिंग देखी कि एक दिन आते थे, अगले दिन नहीं आए, फिर एक दिन आए, फिर अगले दिन नहीं आए, ऐसे कर करके मैंने कुछ बच्चों को ऐसे तो मैंने देखा है, वो कोचिंग भी छोड़ दी उन्होंने, फिर उसके बाद घर पर बैठे हैं। मतलब ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आज की पढ़ाई के लिए आपको पहली बात तो आपको टाइम बहुत मायने रखता है, और दूसरी बात मेरा क्या है, टाइम के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, डेली रूटीन में चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखना, आपका कंफर्ट जोन है होम, मान लीजिए आपका कंफर्ट जोन होम है, या आपका कंफर्ट जोन कोई होटल है या स्टेडियम है या कोई भी एक्स वाई जेड जो आपको कंफर्ट जोन है, जिस प्रकार आपके दोस्तों के साथ बैठना है, जिस दिन आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे उस दिन आपको ये उड़ान मिलेगी और उसी दिन से आपकी सफलता की ओर आप और पास होंगे। दोस्तों, मित्रों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आज का जो टाइम है ना, आप उसको पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि पढ़ाई में ही लगाने से ही आपका जीवन सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं होगा, यह गारंटी देता हूँ मैं। आप सोचें कि बिना पढ़े जॉब लग जाए, जो नहीं हो सकता, आपको पढ़ना भी है, पढ़ने के साथ साथ उसमें प्रैक्टिस भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, और उसके बाद आपको मतलब एक चीज़ पढ़ने के बाद उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप घर बैठकर पढ़ें, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैंने कुछ बच्चों से बात हुई मेरी कोचिंग के बच्चों से, मतलब न्यू स्टूडेंट्स आए थे, तो कुछ बच्चों को मैंने यही देखा कि एक दिन आए, डेमो लिया,
वो ये समझ रहे हैं कि हमको ज़्यादा आता है टीचर से, ये ऐसा समझना ही सबसे बड़ी गलती है। भले ही आपका टीचर आपसे कमज़ोर हो, लेकिन वो आपसे बड़ा है, वो आपको पढ़ा रहा है, तो उसमें आपसे ज़्यादा बुद्धि जरूर होगी। और यदि आप विद्यार्थी, यदि आप एक टीचर को गुरु मान लें या एक टीचर है तो उसे अपना एक आदर्श टीचर मान लें, तो आपको वो टीचर ज़मीन से आसमान तक ले जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि लिव द कम्फर्ट जोन एंड मेक अ प्रैक्टिस। आपको कम्फर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कम्फर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो आपका जॉब लगना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आप सभी से यही कहना चाहता हूँ मैं कि आज से अपना अपना कम्फर्ट जोन छोड़ें और पढ़ाई में लग जाएं, और पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें और अच्छी संगति रखें। कोई समस्या आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नाम है राजन रजक, नया कंपटीशन क्लासेस से हूँ मैं, मोटिवेशन स्पीकर हूँ। आपको कोई भी समस्या आती है, जिस प्रकार जैसे कि आपको स्टडी कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपकी जॉब के लिए क्या जॉब सही रहेगी, आपके सब्जेक्ट क्या लेना है, आपको एक्स वाई जेड कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें बेझिझक। मेरा नंबर है, मैं आपको मेरे जो चैनल है उसमें नंबर भी डाल दूँगा। लेकिन आप दोस्तों पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई करने से ही जॉब लगेगी, पढ़ाई करने से आपका विकास होगा। दोस्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ बैठने से, आपके घर वालों के साथ टाइम देने से, आपके जो भी शादी विवाह जो इन चीज़ों में जाने से कुछ नहीं होगा। आपका एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे याद आ गया। पहली बात तो यह है कि आज के बच्चों की या आज के विद्यार्थी की सोच में बताता हूँ। पहले उसका काम क्या है कि सुबह उठने के बाद क्या करेगा, वो पूरे काम कर लेगा, एक्स वाई जेड पूरे काम। घर में सब्जी ले आएगा, घर के पूरे काम करेगा, फिर उसका पूरे काम करने के बाद दोस्तों के पूरे काम करेगा, दोस्तों के पूरे काम करने के बाद एक्स वाई जेड जो भी काम होंगे, किसी ने बोला ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, काम वो कर लो, वो सब करेगा, खुद का काम भी करेगा। तैयार होगा, रोज नहाएगा, तैयार होगा, रोज नहाएगा, टाइम से खाना खाएगा, लेकिन पढ़ाई टाइम से नहीं करेगा। यदि आप उस पढ़ाई को ही सबसे पहले प्राथमिकता देंगे तो आपकी जॉब लगना निश्चित है। और आप अपने ये ना सोचें कि आप नहीं पढ़ रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ, आप यदि एक घंटा भी नहीं पढ़ रहे, आप ये सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ूँगा, कल नहीं परसों पढ़ूँगा, जब तक आप पढ़ाई पर प्राथमिकता नहीं देंगे, पढ़ाई को प्राइमरी लेवल नहीं रखेंगे, जब तक विकास नहीं होगा। दोस्तों धन्यवाद, मेरी